नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो दोस्तों, कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जितनी भी एटेक कंपनियां मार्केट में हैं तो बहुत ही तेज़ी से उनका जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो आज हम कुछ इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अच्छी है या खराब है। कहने का मतलब है कि उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन से एक तो टाइम सेविंग होती है। टाइम सेविंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ऑफलाइन एजुकेशन में बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने में सुबह रेडी होना है, टाइम से रेडी होना है, उसको रास्ते में भी समय लगना है अगर उसकी कोई टैक्सी बस लगी हुई है तो, फिर वापस में स्कूल की जब छुट्टी हुई तब उसे वापस आना है तो उसमें भी समय लगता है। लेकिन अगर अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी फ्रीडम रहती है। जब इच्छा होगी तब स्टूडेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। तो एक टाइम सेविंग का एडवांटेज ऑनलाइन एजुकेशन में ऑफलाइन के कंपैरिजन में जरूर है। फिर सेकंड ऑप्शन है बेटर एजुकेशन। बेटर एजुकेशन का मतलब है कि अगर ऑफलाइन एजुकेशन के तुलना में अगर बात करें तो नियर बाई में जितने स्कूल हैं तो अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, अगर एज अ गार्जियन आप देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा दूर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें जैसा कि अभी पहला पॉइंट बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, फिर स्टूडेंट पढ़ेगा कैसे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में नंबर ऑफ एडटेक कंपनीज अवेलेबल हैं, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने फ्रीडम के अनुसार उनको चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप बच्चे को एजुकेशन दिला सकते हैं। तो ये भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है कि बेटर एजुकेशन ऑनलाइन से प्राप्त हो सके। फिर तीसरा है कॉस्ट सेविंग। अब कॉस्ट सेविंग भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो कैसे कि जो भी नियर बाय स्कूल हैं तो कहीं ना कहीं या तो वो लो क्वालिटी के हैं या फिर वो हाई क्वालिटी के हैं। हाई क्वालिटी के हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि हाई क्वालिटी के हिसाब से उनमें एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जब ब्रॉडली अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी वर्ल्ड, आपको जब नंबर ऑफ एटेक कंपनीज, नंबर ऑफ एजुकेशन के जब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर आप उसमें से सॉर्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा बेटर एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं, कितनी उसकी फीस है, आप उसकी सॉर्टिंग करके आराम से देख सकते हैं। तो आपके पास, कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम है टोटली। तो ये एक अच्छा विकल्प है कि ऑनलाइन में आपको ये सुविधा भी मिल जाती है। फिर अगला अगर बात करें बेनिफिट की तो प्रॉपर मॉनिटरिंग। अब प्रॉपर मॉनिटरिंग का मतलब है कि जैसे जितनी भी एडटेक कंपनीज अवेलेबल हैं मार्केट में तो उनके जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं, तो जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें ऐसे फीचर्स डेवलप किए जा चुके हैं कि बच्चे की प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है कि इसने जो भी क्लास अटेंड करी है या जो भी वो वीडियो देख रहा है उसने कितने मिनट तक वीडियो को देखा, कितने मिनट नहीं देखा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा देखा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं देख रहा है। तो इससे कहने का मतलब है कि उसकी रुझान भी मालूम पड़ता है कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुझान है, क्योंकि ज़्यादा रुझान जिसमें होता है उसी को बच्चा ज़्यादा देखता है। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि गार्जियन के लिए कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और बच्चे की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ पाने में मदद हो। बेस्ट एनालिसिस भी हो सकती है। ये सिमिलर जाता है बिल्कुल अभी जो पॉइंट डिस्कस किया, क्योंकि जो फीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, तो उसमें क्या है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं जैसा कि अभी बताया, और उस एनालिसिस से आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस बच्चे की कैसी हो सकती है या उसकी प्रोग्रेस कैसी रही, कुछ दिन पहले उसकी प्रोग्रेस क्या थी, अब इस समय क्या है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बच्चा एक सही डायरेक्शन में हमारा पढ़ाई कर रहा है, यानी कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है ऑनलाइन एजुकेशन में, ये इसका एडवांटेज है। अब इसमें आपको ब्रॉडली एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है। ब्रॉडली एजुकेशन का मतलब यहाँ पे है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई लोकेशन का तो फर्क होना नहीं है, नंबर ऑफ एटेक कंपनीज जो भी अवेलेबल हैं, जो कि कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मान लो कोई अगर आपको अपने बच्चे को कोर्स कराना है या आपको स्वयं कोर्स करना है और आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है और वो कोर्स ऑनलाइन पे अवेलेबल है आप जो करना चाह रहे हैं, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो ये एक अच्छा विकल्प यहाँ पर। अब सबसे अच्छी बात क्या है ऑनलाइन एजुकेशन की, कि एनीवेयर एनी टाइम ऑन द गो। क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन का अगर कहीं क्लासेस आप ले रहे हैं तो उसमें फिक्स रहता है कि आपको 10 o'clock आना है, आपको 12 p.m. आना है, आपको 1 p.m. आना है, व्हाटएवर जो भी टाइम आपका फिक्स हो उस समय आपको जाना है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, आपने ओपन किया, जहां मर्जी आई वहां देखा, जितने समय की इच्छा हुई उतने समय के लिए देखा, आप कहीं पे व्यस्त हैं आपने उतना स्किप कर दिया, आपने आगे समय में देख लिया। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना होता है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में एक अच्छा एडवांटेज है कि आप एनीवेयर एनी टाइम ऑन द गो, आपका समय की बचत इसमें हो सकती है, कहीं ना कहीं समय की बहुत ज्यादा बचत हो जाए। अब हम कुछ डिसएडवांटेज भी ऑनलाइन एजुकेशन के समझने वाले हैं। तो जैसे कि लैक ऑफ सोशलिज्म। अब लैक ऑफ सोशलिज्म का मतलब ये है कि जब बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन लेता है तो ज़्यादा फिजिकली इंटरेक्शन पीपल से होता नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल की डिस्प्ले में ही रहता है, वहीं से सारी चीज़ें देखता है, आमने सामने इर्द गिर्द उसे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं दिखता है। तो ऐसे क्या रहता है कि उसका जो बिहेवियर रहता है ह्यूमन के प्रति, जैसा कि रिएक्ट करने का, सोचने का, समझने का, क्योंकि वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए उसका जो माइंडसेट होता है वो उसी तरह से सेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ सोशलिज्म के पॉइंट को डिफाइन कर रहा है और ये उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। अब देखो, एक डिसएडवांटेज और भी है जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है। अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस हो रही है तो वो बैड है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो टोटली स्क्रीन पे डिपेंड है। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं अपने बच्चे को, तो भी मोबाइल में ज़्यादा इंगेज रहना पड़ रहा है, आपको डिस्प्ले के सामने बैठना पड़ रहा है। लैपटॉप पे भी वही कहानी है, टेलीविज़न पे अगर आप करा रहे हैं तो भी वही कहानी है। कहने का मतलब है कि आपको स्क्रीन के सामने बैठना ही है। अब जब आप एजुकेशन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ आवर्स आपको अपनी स्क्रीन के सामने बिताने हैं। अब ज़्यादा और रोज़ रोज़ का काम है, तो अगर ज़्यादा हम स्क्रीन के सामने रहेंगे, ज़्यादा अगर हम समय देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी थोड़ा सा उसी तरीके का बनता जाता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय अगर उस पर हम देंगे तो हमारी आईसाइट पे भी फर्क आएगा, हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी चेंज होंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं ज़्यादा समय स्क्रीन टाइम पे बिताने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन। इससे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना रहती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं कि जैसे अगर हमने बहुत ज़्यादा मोबाइल में अगर हम इंगेज हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मोबाइल में एंगेजमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है उसी मोबाइल की डिस्प्ले को देखते देखते, वो एक दुनिया ही अलग हो जाती है बच्चे की। तो जब हमारा ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन कम हो जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, क्योंकि जब बच्चा ऑफलाइन स्कूल जाता है, ऑफलाइन जब पढ़ाई करता है तो बाहर जाता है, घर से बाहर निकलता है, एक कैंपस होता है, कई सारे बच्चों में जब वो खेलता है, कई सारे टीचर्स से जब वो इंटरेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे जो फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, जो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मिल सकती। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है, जिससे कि कई सारे हेल्थ कंसर्न्स आ जाते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, थायराइड हो गया, बहुत सारे बच्चों में हम लोग मोबाइल के सामने जब बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होता है तो वो हर किसी में आ सकता है, तो वो बच्चे की भी ये बात हो सकती है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, इससे आपका मनी लॉस भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि मनी लॉस का इससे क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम कोई भी गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हमारा इतना ज़्यादा वर्क रहेगा एजुकेशन के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर अपना समय देना होगा, जब हम बहुत ज़्यादा उसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब भी होती हैं। लेकिन अगर बच्चों को अगर आप इस्तेमाल करा रहे हैं तो बच्चों से क्या है कि उसका रखरखाव भी सही तरह से नहीं हो सकता है, टूट फूट भी हो सकती है। अब इतना महंगा मोबाइल, लैपटॉप, इतनी सब चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉनिक इतना महंगा आता है, अगर धोखे से भी बच्चे से गिर जा रहा है या कोई भी वजह से अगर उसमें नुकसान हो जा रहा है तो उसकी रिपेयरिंग आप करा रहे हैं तो भी बहुत महंगी हो रही है, और अगर आप नया खरीद रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो महंगा आएगा ही आएगा। तो ये कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मनी भी इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ये समझने वाली बात है कि जब कोई भी चीज़ लगातार हम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खराब तो होनी होनी है, और फिर उसका रखरखाव पे भी डिपेंड करता है,
बच्चों से ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि उनमें उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी होती नहीं है। तो आज हमने ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए। यहाँ पे मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरह से ख़राब है या ऑफलाइन एजुकेशन पूरी तरह से अच्छी है, अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो कि मेरी समझ से बिल्कुल होता है ऐसा और बच्चों में ऐसा देखने को मिलता भी है। बाकी आप अगर पेरेंट्स हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका सेल्फ डिसीजन होगा कि आपको कौन सी एजुकेशन करानी है। क्योंकि जैसा कि वीडियो में कई सारे पॉइंट्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जब हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें अपना जब कैरियर बच्चे का ग्रो कराना रहता है तो फिर हम ये सारी चीज़ों को साइड में कर देते हैं और हम ये देखते हैं कि बच्चे का कैरियर या हमारा कैरियर किस तरह से ब्राइट हो सकता है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो से अगर आपकी नॉलेज में कुछ एनहेंसमेंट हुआ है, ये वैल्यू ऐड करता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर बहुत सारे वीडियोस और भी पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके आप वो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना हटें, क्योंकि अगली वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।